आई होप यू ऑल आर डूंग इन योर स्टडीज तो आगे एन एक्सपर्ट जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आर आरबी एंड नॉर्थ की प्रिपरेशन सो तो जो जो बच्चा इस चैनल पे न्यू है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि रोज ट्वेल्व थर्टी यहाँ पे मैं एम सी क्यूज़ अपलोड करती हूँ जो कि इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नाइन हंड्रेड ट्वेंटी क्वेश्चनस हम कर चुके हैं सो ये सीरीज़ चल रही है रेगुलरली ट्वेल्व थर्टी जो है क्वेश्चन आते हैं एंड अगर कोई भी बच्चा प्रेपरेशन करना चाहता है इन दोनों ही एग्ज़ाम्स uh, की क्लासेस uh, के थ्रू तो वो इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके आज ही बाचेज जो है ज्वाइन कर सकता है दो बैचेस हैं एक है वन फोर डबल नाइन का बैच एक है टू फोर डबल नाइन का बैच सो वन फोर डबल नाइन के बैच में मैं आप लोगों को करवा रही हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स एमसीक्यू क्लासेस टेस्ट सीरीज डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर सो ये जो बैच है फुल थ्री मंथ्स का बैच है जिसका बेसिक क्लियर है वो ये बैच ज्वाइन कर सकता है और जिसको बेसिक क्लियर करना है वो टू फोर डबल नाइन का फोर मंथ्स का बैच जिसमें सबसे पहले आपका बेसिक अनाटमी एंड फिजियोलॉजी मैं आपको करवाऊंगी देन हर एक सब्जेक्ट्स की थ्योरी इसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको अच्छे से करवाए जाएंगे एमसीक्यू क्लासेस होंगी टेस्ट सीरीज होंगी डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर सो अगर आप बेसिक क्लियर वाले हो तो इस बैच की तरफ जा सकते हो अदरवाइज आप बेसिक क्लियर करने के लिए ये बैच ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके दोनों ही बैचेज लाइव प्लस रिकॉर्डेड है सो वेट ना करते हुए आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे नाइन ट्वेंटी वन क्वेश्चन करने जा रहे हैं सो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है देखो विच टेस्ट यूज टू फाइंड आउट द वाइटामिन बी ट्वेल्व डेफिशियंसी तो कौन सा टेस्ट जो है वो किया जाता है वाइटामिन बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी को चेक करने के लिए शीलिंग टेस्ट विडार टेस्ट ऑटनलिन टेस्ट या फिर बेंडिक टेस्ट तो देखो वाइटमिन बी ट्वेल्व की डेफिशियसी के लिए जो हम टेस्ट करते हैं दैट इज योर शीलिंग टेस्ट ठीक है शीलिंग टेस्ट क्या है एक यूरिन टेस्ट है ठीक है इसमें हम क्या करते हैं पेशेंट को पहले ओरली बी ट्वेल्व देते हैं ठीक है ओरली बी ट्वेल्व देख के हम चेक करते हैं कि कहीं वो यूरिन में एज इट इज़ तो नहीं निकल रहा अगर तो वो यूरिन में एज इट इज निकल रहा है बी ट्वेल्व यूरिन में आ रहा है देन द टेस्ट इज पॉजिटिव बट अगर वो नहीं आ रहा देन द टेस्ट इज नेगेटिव ठीक है सो इट्स अ यूरिन टेस्ट जिसमें आप बी ट्वेल्व पेशेंट को ओरली देते हो बी ट्वेल्व की ऑब्जॉर्बशन अब कहाँ पर होती है इन द एलियम ठीक है सो इन द ईलियम जो है बी ट्वेल्व की ऑब्जॉर्बशन होती है और कौन हेल्प करता है इंटरेंजिंग फैक्टर इंटरेंजिंग फैक्टर कौन प्रोड्यूस करता है इन द स्टमक वो है प्रोड्यूस होता है बाय द पराइटल सेल्स तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए जब भी आप एक क्वेश्चन करते हो तो उसमें से दस पंद्रह क्वेश्चन अलग से बनते हैं बिकॉज यू नो दैट इतने क्वेश्चन है कि हर बार पेपर में डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं ठीक है ना सो so, आपको अगर आप शीलिंग टेस्ट के बारे में पढ़ रहे हो तो पता होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं सिंकोबलिन का लेवल चेक कर रहे हैं यूरिन

attention. सो क्यूट ब्लड लॉस एनीमिया तब होता है जब पेशेंट को इंटरनली हैमरेज हो रहा हो सो ऑब्वियसली अगर देखो ये दोनों चीज़ें तो पेशेंट को तब होंगी अगर उसको आयरन डेफिशेंसी है या फिर अदर कोई प्रॉब्लम है तो पेशेंट को एक्सर्सन करते हुए या फिर एक्सरसाइज करते हुए सांस लेने में प्रॉब्लम आती है ब्रेडी कार्डिया एट्रेस तो ये हो गया कि कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसे रेस्ट के लाइंग पोजिशन में प्रॉब्लम आ रही है सांस लेने में बट जो पोस्टल हाइपर है ये सजेस्ट करती है कि पेशेंट को शायद हाइपोवलम

की जिससे ऑब्जॉर्बेशन नहीं हो रही है सो एक्सर्शनल टाइम पे तो हमें तब देखने को मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सिकेट्रिक डिसऑर्डर इन विच द पेशेंट हैज टू ऑपोजिट फीलिंग टू द सेम थिंग एट द सेम टाइम इज नोन एज सो साइकेट्रिक डिसऑर्डर कौन सा है जिसमें पेशेंट की एक चीज़ को लेके लाइक like, ये पर्सन है इसके लिए दो फीलिंग्स रहती है मुझे पसंद भी है और मुझे नहीं भी पसंद सिकोलिया एम्बीवेलेंस इल्यूजन एसोसिएटेड लूसनेस तो इसको हम क्या बोलते हैं एम्बीवेलेंस जब पेशेंट को ये फोर एज ऑफ स्कीजफ्रेना में आता है जब पेशेंट की एक ही चीज़ को लेके दो फीलिंग्स होती है ये और नो में पेशेंट जो है कंफ्यूज रहता है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज ऑफ पेल्विक पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ तो इनमें से कौन सा मेजर कॉज है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ का ऑप्शन है अब्रॉप्शियो प्लेसेंटा पोस्ट हैमरेज यूट्राइन प्रोलाब्स प्लेसेंटा सो आंसर रहेगा पोस्ट हैमरेज जो है वो सबसे मेजर कॉज होता है पेल्विस की इन्फ्लामेशन पेल्विक ऑर्गन्स की इन्फ्लामेशन होने का नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फर्स्ट अलर्ट द नर्स शुड द हेमरेज आफ्टर द टॉनसिल तो चाइल्ड में कौन सा फर्स्ट अलर्ट करेगा नर्स को अगर पेशेंट को हेमरेज हो रहा है और उसकी टॉन्सिलेक्टमी हुई है माउथ ब्रीदिंग फ्रीक्वेंट वेलोइंग रिक्वेस्ट फॉर अ ड्रिंक इंक्रीज पल्स रेट सो देखो टॉनसिलेक्टमी होता है रिमूवल ऑफ द टॉनसल्स टॉन्सल्स जो होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं रिमूव कर देते हैं सो so, अब देखो अगर इसमें हेमरेज हो रही होगी तो हेमरेज क्या है कि थ्रॉट में हो रही होगी टॉन्सल्स कहाँ पे हैं में. तो पेशेंट ना उस ब्लीडिंग को स्वेलो कर रहा होगा और आप देखोगे कि तो आप तो पेशेंट को कुछ नहीं दे रहे हो बट ईमी वो तो कुछ स्वेलो कर रहा है सो so, दिस कि पेशेंट को हो रही है एट द साइट ऑफ ट्रांसिलेटमी तो ये चीज जो है नर्स को अलर्ट करेगी कि पेशेंट को हैमरेज है नेक्स्ट पे चलने से पहले अगर कोई भी बच्चा बैचेस के लिए ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है उसको लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है सो so ये है थ्री मंथ्स का वन फोर डबल नाइन का इंपॉर्टेंट टॉपिक बैग जिसमें जिसका थ्योरी क्लियर है वो ये बैच ज्वाइन कर सकता है इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाऊंगी मैं एम टेस्ट सीरीज डाउट क्लासेज एंड प्रीवियस ईयर पेपर एंड ये फोर मंथ्स का जिनको बेसिक क्लियर करना है ठीक है ना अभी जीरो से स्टार्ट करना है प्रॉपरली समझना है चीज़ों को ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है तो वो ये बैच सकता है टू फोर डबल नाइन का बैच है अफोर्डेबल है बेसिक फिजियोलॉजी करेंगे फिर थ्योरी फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज डाउट क्लासेस प्रीवियस ईयर पेपर दोनों ही बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है आप इस नंबर पर फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अ चाइल्ड इज एडमिटेड विद द सस्पेक्टेड एटिलेक्टेसिस विच क्लिनिकल इंडिकेटर डज द नर्स एक्सपेक्ट टू आइडेंटिफाई ड्यूरिंग द सेसमेंट ऑफ द क्लाइंट सो एक पेशेंट है उसको सस्पेक्टेड हुआ है एटिलेक्टेसिस सो एटिलेक्टेसिस क्या होता है कि एलवलाइज जो है वो कलेप्स कर जाती हैं ठीक है ना एलवलाइज जो है वो कलेप्स कर गई हैं तो अब इसकी क्या चीज़ हमें पेशेंट में देखने को मिलेगी स्लो डीप रेस्पिरेशन डिमिनेस्ड ब्रेथ साउंड अ ड्राई प्रोडक्टिव कफ अ नॉर्मल ओरल टेम्परेचर सो नॉर्मल ओरल टेम्परेचर तो नहीं देखने को मिलेगा और

सो so, आपके पास ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट अल वर्जन या फिर स्पायरल सो इट इज अ अम्यूनिटेड फ्रैक्चर जिसमें जो बोन है वो छोटे छोटे पीसेज में जैसे कि आपकी बोन है ब्लू से बना देती हूँ ठीक है ऐसे करके छोटे छोटे पीसेज में जो है वो कौमिनुटे हो होम्युनिटेड हो जाती है सो इट इज कॉल्ड अ कॉम्युनिटेड फ्रैक्चर जिसमें न्यूमरस फ्रैगमेंट बन जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज टू करेक्ट ऑटोसिक्लोसिस तो ऑटोसिक्लोरिस ठीक करने के लिए क्या प्रोसीजर किया जाता है मृंजोटमी मेस्टोडेक्टमी स्टेपेडेक्टमी या फिर मृजो प्लास्टी so -e स्टेपीज की जो है बड़ी ओवरग्रोथ हो जाती है ऑटोस्क्लोरोसिस से जिससे कि आपके एयर में कंडक्शन हेयरिंग लॉस होता है सो so स्टेपीज की जो है रिपेयर की जाती है और स्टेपीज की ओवरग्रोथ जो है ऑटोस्क्लोरोसिस में होती है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट वुड बी इनिशियली इनिशियलीज द क्लाइंट विद अपर जी ब्लीडिंग तो कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट करोगे अगर पेशेंट

लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी द नर्स शुड नोटिफाई द फिजिशियन इफ क्लाइंट इज कंप्लेनिंग ऑफ तो कैटरेक्ट सर्जरी के बाद अगर क्लाइंट किस चीज़ की कंप्लेन करेगा जो कि आप फिजिशियन को नोटिफाई करोगे हेडेक आई पेन लेक्रीमेशन या फिर डीमा सो so, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे और जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था उसका काफी बच्चों ने आंसर जो है वो गलत दिया है हाइपोक्सिया इन अनकॉन्शियस पेशेंट में हमें क्या देखने को मिलेगी इरिटेबिलिटी और रेस्टलेस जो है वो हमें देखने को मिलता है इन अ कॉन्शियस पेशेंट ठीक है ना अगर हाइपॉक्सिया और डिफरेंट डिफरेंट जगह पर साइनोसिस जो है हमें अनकॉन्शियस पेशेंट में देखने को मिलता है क्लियर सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को और अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है नंबर आपकी स्क्रीन पे सेवन नाइन सेवन थ्री टू फोर फोर जीरो एट नाइन पे कॉल या फिर मैसेज करके दोनों में से कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डीले सो अगर बेसिक क्लियर है तो ये बैच है आप लोगों के लिए ओनली वन फोर डबल नाइन फिफ्टीन हंड्रेड का थ्री मंथ्स का ये ट्वेंटी फाइव हंड्रेड का फोर मंथ्स का विद प्रॉपर बेसिक्स एंड ऑर्गन नॉलेज सो चलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ तो डू हार्ड वर्क मेक योर पेरेंट्स प्राउड all the best.